हेलो गाइस, मैं डोमन चंद्रमा जी आप सबों का स्वागत करता हूँ आपका अपना चैनल DCM ब्लॉग में। तो जैसे कि आप सबों को पता है कि कुछ दिनों से मेरा ब्लॉग वीडियो नहीं आ पा रहा था, क्योंकि मेरा जो हेलमेट था वो पुराना ही था पर काफ़ी अच्छा था, पर मेरा भाई लेके गया एक जगह पर, वहाँ पे एक्सचेंज हो गया और मुझे मिल गया टूटा हेलमेट। तो उसका तोड़ हमने निकाल लिया है। और उसका तोड़ है ये डब्बा, स्टड्स का हेलमेट है और ये काफ़ी महंगा है। ये लगभग जिसका एमआरपी प्राइस है 1985 रुपये का है, पर फिर हमने अपना देसी दिमाग लगाया और इसे 1700 रुपये में लेके आया। तो इसका जो फर्स्ट लुक है वो मुझे काफ़ी पसंद आया और आई होप आप सबों को भी अच्छा लगेगा। और जो मेरा बाइक का कलर है उसके साथ तो मक्खन, एकदम जिस तरह गाड़ी का कलर है उसी तरह हेलमेट का भी कलर है, तो काफ़ी अच्छा है। और चलिए इसे खोलते हैं और देखते हैं। तो इसको खोलने से पहले मैं थोड़ा इसका यह बता देता हूँ, सिंप्लीफिकेशन जो भी है। इसका जो प्राइस है वो आपको मैंने बता दिया 1985 रुपये का है, जो कि हमने 1700 में लिया है। और इसका जो साइज़ है वो 580 mm का है, जो कि लार्ज में है, आपको दिख रहा होगा। और जो स्टील वर्ड का होता है हेलमेट, उसमें 580 mm का ही जो होता है वो आपका एम में होता है, मीडियम साइज़ में। इसमें एल दिया हुआ, हो सकता है अलग अलग कंपनी का अलग अलग होता होगा। और इसका जो MFG डेट है वो 16 अप्रैल 2022 का है, ठीक है, यानी बहुत पुराना बना हुआ नहीं है, ये 16-22 में ही बना हुआ है आपका। तो चलिए इसे खोलते हैं। तो चलिए इसे काटते हैं और इसका अंदर से हेलमेट निकालते हैं। पर खोलने से पहले मेरे जितने भी सब्सक्राइबर भाई लोग हैं उन सबों को मेरा दिल से धन्यवाद। और जो नहीं किए हैं सब्सक्राइबर, प्लीज़ कर देना यार, अपना भाई का ही चैनल है, ठीक है। तो चलो इसको काटते हैं। तो ये है हमारा हेलमेट। ऐसा है, मुझे इसका जो फर्स्ट लुक है वो काफ़ी अच्छा लगा। मेरा गाड़ी का कलर के साथ भी एकदम मैच खा रहा। और टॉप में इसका ऐसा है, टॉप से व्यू, बैक से इसका ऐसा है और फ्रंट से तो आप लोग देख ही चुके हैं ऐसा है। तो इसे हम लोग काट लेते हैं। ये शायद यूज़र मैनुअल ही होगा, पर इसका कोई काम नहीं है। तो ये आपको फ्रंट में मिल जाता है स्टड्स का लोगो, और ये आपका बैक में भी आपको मिल जाता है स्टड्स का लोगो, जो कि काफ़ी खूबसूरत है। दोनों ही एकदम फ्रंट एंड बैक में मिड में है। और ये आपका साइड में जो है ये थंडर का बेजिंग है, बेजिंग का या लोगो का जो भी हो, पर काफ़ी खूबसूरत है, मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। और इसका दूसरा साइड भी वही थंडर ही लिखा हुआ है। और इसका जो वेट है वो यहाँ पे लिखा हुआ आपका 1300 ग्राम है, जो कि ठीक है, हैवी हेलमेट में इतना होता है। तो इसका जो ओवरऑल लुक है वो इस तरह से है, जो कि काफ़ी खूबसूरत है, बहुत अच्छा लग रहा। और अब इसे पहन के भी देखेंगे, ये पहन के तो शायद और अच्छा लगेगा। तो चलिए इसको उखाड़ देते हैं, ये हम निकाल दिया है, अब इसे पहन के देखेंगे, ठीक है। तो चलिए इसे पहन के देखते हैं। वाह, काफ़ी कंफर्टेबल है और ये हिल भी नहीं रहा, एकदम फिटिंग है, काफ़ी अच्छा फिटिंग आ रहा है और काफ़ी कंफर्टेबल भी है। जो वीडियो था वो
हेलमेट पे बेस्ट वीडियो था। और ये मेरा भाई सोनू है, इसे हम प्यार से सोनू बुलाते हैं, इसका नाम अविनाश है, ठीक है। यही मेरा हिडन कैमरामैन है, जो बाकी एंगल से लेना होता है यही लेता है, ठीक है। और जैसे कि अभी हमारा हेलमेट आ चुका है, तो अभी हम लोग ब्लॉगिंग के लिए इधर उधर ज़रूर जाएंगे, और इसी तरह वीडियो के माध्यम से हम लोग ज़रूर मिलेंगे। और अगर हमारा वीडियो आप सबको पसंद आता है तो लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। इसी तरह हमारे साथ, हमारे चैनल के साथ बने रहिए, अपना सपोर्ट जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।